अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, दैट इज द एसओपी 3 ऑफ टैली। सो वी आर गोइंग विद दैट थिंग्स। लेट मी स्टार्ट अप विद द एसओपी। ऑलरेडी एसओपी 1 एंड एसओपी 2 वी हैव डन अप एंड विद दैट अकॉर्डिंग वी हैव वर्क अप विद। लेट मी गो विद द एसओपी 3। This is your SOP 3. Now here पहला वाला जो हमने किया था वो था इंट्रा था, अब ये इंटर स्टेट का है। जीएसटी ऑन गोड्स इन इंटर स्टेट, ये वगैरह आप देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ओपन सोर्स और फ्री एडुकेशन वर्जन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द एप्रोप्रिएट वाउचर बाय क्रिएटिंग अ कंपनी, कंपनी डिटेल आर एज बिलो। ये डिटेलिंग है आपकी, ठीक है। ये डिटेलिंग के हिसाब से आपको कंपनी क्रिएट करना। तो अगेन वी आर गोइंग विद द टैली, वर्क इन द एजुकेशनल मोड, वर्किंग एजुकेशनल मोड। वर्क इन एजुकेशनल मोड, जस्ट क्लिक ऑन वर्किंग एजुकेशनल मोड। वी हैव क्रिएटेड नाउ इन वर्किंग एजुकेशनल। फर्स्ट वी विल बी क्रिएटिंग द कंपनी। What we will going with the company info, create company. Okay, now the create company job, what we will be doing up. Now see here, according to that I will be writing here. MS Swastik. Garment suppliers. Done with this, we entered this thing address. Address is for MG Road, MG Road. Industrial estate, comma, noun. Aurangabad. Okay, then we are putting this all thing entered here, India. Now as it is in Maharashtra, we will be clicking. Just I will be getting here the C Maharashtra. Just click on this Maharashtra. Pin code is given here 4341001431. Contact details. Now phone number is not given, only email ID and website is given. So we just go with the email. Email is info@ swastik. garments.com. Okay, enter. Now what I will be doing here, again I'm putting up here and now see here. Now you're putting the address of, that is your email ID, website, that is www.swastikgarments.com. entered. Now here has the entry board is of 14217417. Entered. Done up here, everything done. Put it here, no need of wallet. Entered. It's having some problem, so we will be done. Everything done. And then what we will be doing, we will be accepting here. Yes. Now see here, so swastik company head voucher have create.
Now, one of the things that we should shut all other company related to that. So what we will be doing is shut company पे जाएं, ABC को क्लिक किया, एंटर किया. अब आपके पास सिर्फ स्वास्तिक कंपनी का वॉच ये प्रोफाइल के. नेक्स्ट व्हाट वी विल बी गोइंग अप. अब हमारे सॉल्यूशन कैसा है. देयर अबव ट्रांजैक्शन क्लियरली इंडिकेट दैट द परचेज एंड द सेल बोथ आर आउट ऑफ महाराष्ट्र. इंटर है ना, इंटर स्टेट बट आर आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट. तो ये चीजें आपको देखना है. इसमें पहले दिखा है ओनली ऑन 1/7/2007 परचेज 150 पीस ऑफ टी शर्ट एट द रेट 450 पीसेस विद जीएसटी 12% from MS Jalram Textile. One SS लिखा है. Similarly, we will be going up with the T-shirt at the rate. अब हमारे यहाँ पे purchase का भी voucher बनना है, sales का भी voucher. अब क्या करेंगे हम? Next what we are. Step one creation company हो गया. Step two enabling the GST features. तो अब हम यहाँ पे जाएंगे. ये आपको features दिख रहा है. इसे क्रिएट करेंगे. GST यहाँ पे आपको दिख रहा है. Statutory tax section यहाँ पे करें. Y डाले. एंटर मारे. वाई डाले. एंटर मारे. अब आपको देखो यहाँ पे आपका महाराष्ट्र एंटर होता जा रहा है. यस देखो एम महाराष्ट्र ही हम क्लिक करेंगे तो महाराष्ट्र एंटर. ठीक है. फीस एंटर. रेगुलर ट्रांजेक्शन वी आर गिविंग. ठीक है. मंथली बैक करती हूँ. ओके डन विद. बट व्हाट वी आर हैविंग अ कि मेरा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका जीएसटी पुट इन करना. यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जीएसटी इन. अब इसके अंदर आप जीएसटी इन प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. जीएसटी इन प्रोवाइड करेंगे जैसे 27KLMN4. ठीक है. तो आप क्या करेंगे आपका जो जीएसटी प्रिंट है ना वो डालोगे. सर इनेबलिंग है 27KLMN4 27KLMN4 हो गया. उसके बाद आपका उसके पूरा है MNA4 है. सॉरी A4. फिर उसके बाद 321V1. उसके बाद Z2 एंटर किया. यस 1/5/2018 के बदले एप्लीकेबल फॉर्म. ठीक है. सब कर दिया. अब आपका नेक्स्ट है जब ये करने के बाद यस कर दोगे प्रेस F1 कर दोगे एक्सेप्ट करना है. सिर्फ आपको सिर्फ जीएसटी एक्सेप्ट करना है. ठीक है. अब ये गुड्स एंड वैल्यू है तो देखो ये हम अपना टैक्सेबल गुड्स एंड वैल्यू देखते हैं ना. लेट मी बी गो इन वॉइस वैल्यू. एंटर्ड हो गया. ये सारे एंटर्ड हो गए. व्हाट यू विल बी गोइंग विद. यस टैग. जस्ट पुट इट यस. एवरीथिंग इज डन. नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग विद. नेक्स्ट इनेबल करने के बाद क्रिएशन ऑफ लेजर्स करेंगे. ये एक्सेप्ट किया. ठीक है. अब हम उन्हें क्रिएशन ऑफ लेजर्स यहाँ से क्विट करते हैं. फिर यहाँ से क्विट करते हैं. अब हमारा अकाउंटिंग वॉचेस पे जाएंगे. ठीक है. अब ये देखो ये अकाउंटिंग वॉच सॉरी क्लेजर्स पे जाएंगे. अकाउंट इन्फो पे जाएंगे. लेजर्स क्रिएट करना. क्रिएट. ठीक है. लेजर्स क्रिएट करना. अब कौन कौन से लेजर्स हैज इज सेल्स और परचेज है तो हमारा दो ही तीन 1, 2, 3, 5 लेजर्स क्रिएट होंगे. ठीक है. तो पहला है परचेज अकाउंट बनाएंगे. ठीक है. अब देखो परचेस अकाउंट एंटर कर दिया. सी अब यहाँ पे आपका परचेस अकाउंट पे देखेंगे. ये देखो ये क्रिएट किया. यस. अब आपका क्या पूछ रहे हैं. इन्वेंटरी वैल्यूज आर इफेक्टेड यस और नो. सॉरी इन्वेंटरी वैल्यूज आर इफेक्टेड और नो. यहाँ पे देखो अब जो परचेस अकाउंट इज जी एस टी एप्लीकेबल सेट नो टाइप ऑफ सप्लाईज गुड्स बस इतना है. तो अब हम क्या करेंगे वैल्यू साइड से नो करो. एंटर. चलो हम इसको देख लेते हैं. हाँ इज एप्लीकेबल इन टाइप्स ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल कर दो. फिर जिस एप्लीकेबल
यहाँ यस कर दिया, ठीक है। आपको कंटेंट क्या बोल रहा है, यस करना है ना। और टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स पे हम कर रहे हैं, तो गुड्स पे करेंगे, क्रिएट हो गया, हो गया, एंटर किए जाओ, हो गया। यहाँ पे आप यस कर दोगे, जस्ट यू एंटर्ड। अब हम सेल्स वाउचर बनाएंगे, सेल्स अकाउंट बनाऊंगी, ले जस्ट सेल्स अकाउंट, अकाउंट, ठीक है, एंटर कर दिया, एंटर करिए। अब ये सेल्स अकाउंट है, तो ये सेल्स अकाउंट पे क्रिएट करेंगे, यस एंटर करते जाओ। एप्लीकेबल जीएसटी, अब यहाँ पे आपको क्या है, यस और नो करना है, तो यहाँ पर भी नो करना है। टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स, यहाँ पे आप क्या करोगे, टाइप्स ऑफ सप्लाई क्या करोगे, गुड्स, ठीक है। प्रोवाइड बैंक डिटेल नहीं देना है, यस वी आर पुटिंग यस, ठीक है। लेजर्स क्रिएट हो गया आपके, नेक्स्ट वर्ड वी आर गोइंग विथ। अब हम नेक्स्ट है, अब है सेंड्री क्रिएटर और सेंड्री डिपीटर बनाएंगे। एम एस जलराम टेक्सटाइल अकाउंट, ठीक है, एम एस जलराम टेक्सटाइल अकाउंट, एम एस जलराम टेक्सटाइल, ठीक है, एम एस जलराम टेक्सटाइल अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, अकाउंट एंटर किया। अब ये क्या बन रहा है, सैंडरी क्रिएटर्स, तो यहाँ पे ये क्रिएट किया, सैंडरी क्रिएटर हो गया। अब इसके अंदर क्या चीज आप पुटअप करोगे, सैंडरी क्रिएटर फिल ऑल अलोंग विद द पिन कोड एड्रेस एंड स्टेट, इम्पोर्टेंट केस ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट ट्रांसफर, इम्पोर्टेंट आई एम पी इन केस ऑफ इंटरेस्ट। तो आप क्या करने वाले, यहाँ पे फिल करोगे, मेंटेन नहीं, इन्वेंट्री इन्वेंट्री वैल्यूज आर रिफ्लेक्टेड, इसको ये कर दिए एम एस। अब एड्रेस आप पुट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एड्रेस आपका क्या है वो आप देखो, इसके हमारा थोड़ा ऊपर ले जाती हूँ, जो एड्रेस है वो पुट करना है ना हमको। तो ये क्या लिखा है, जलराम का क्या है, 1/105 सेक्टर बी गांधी नगर अहमदाबाद, तो 1/105 सेक्टर बी बी गांधी गांधी नगर, ठीक है, अहमदाबाद। अब ये आपका क्या बता रहा है, इसके अंदर क्या, गांधी नगर अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद अहमदाबाद, ये सॉरी दबा एंटर किया, गुजरात था, तो आप गुजरात पे क्लिक कर गए। पिन कोड कितना है इसका, पिन कोड है आपका 382010, 38 38 2010, 2010, ठीक है, 38 38 3 38 2010 स्टेट इम्पोर्टेंट, हाँ अभी जीएसटी इनपुट करना है, अगर है तो पुट करेंगे, नहीं है तो जीएसटी नहीं पुट करना, ठीक है, यहाँ पर नहीं है जीएसटी, तो जस्ट एंटर करती हूँ, एंटर एंटर यस, फिर अब नेक्स्ट वाला जो लेजर्स है वो है एमरस डिस अलाइनमेंट गारमेंट, है ना, तो
एमएस डी आर ई एस ट्रेस अलाइनमेंट गवर्नमेंट पुट कर दिया, एंटर कर दिया, ये आपका हो गया सेंट्रल डिबेटर बनेगा ये बस आप इसको क्रिएट करो, एंटर करो, एंटर करो। इसके एड्रेस डाल रहे हैं हम लोग। अब इसका एड्रेस आपको देखो क्या डाला हुआ है, इसका एड्रेस है सिद्धि सिद्धि अहमदनगर अहमदनगर, बस इतना ही है। तो यह लिखना है SHIRDH सिद्धि अहमद नगर एंटर। अब ये क्या था, गुजराती है तो गुजरात डालेंगे, नहीं महाराष्ट्र। और उसके बाद पिन कोड क्या है, 423107, तो पिन कोड डालो एंटर 423107 एंटर हो गया। यह आई रेगुलर बस यस कर दो आप, ठीक है ये क्रेडिटेड भी हो गया आपका। एक और चीज जो होगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ इंट्रा है तो सिर्फ एक ही ये बनेगा, तो इसके लिए लास्ट वाला जो आपका है IGST अकाउंट ड्यूटीज एंड टैक्सेस लेना है, IGST अकाउंट एंटर ड्यूटीज एंड टैक्सेस यहाँ पे क्रिएट किया, एंटर हो गया GST एंटर किया, ठीक है। और ये कैसा है, इंटीग्रेटेड है IGST, तो ये इंटीग्रेटेड होना चाहिए। लेट मी सी व्हाट वी आर गोइंग विद, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपके लिए बनाया इंटीग्रेटेड टैक्स, ठीक है ना, परसेंट आपका ना 0%, तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स रहेगा परसेंट ऑफ 0 कैलकुलेट परसेंट एंटर 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 यस। ये आपका लेजर्स 5 लेजर्स थे वो आपके क्रिएट होगी। नाउ व्हाट आई विल बी एक्सेप्ट करेंगे, क्विट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड भी यहाँ से आप क्विट कर दोगे, यहाँ से भी आप क्विट कर दोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड वी आर गोइंग विथ, नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्रिएशन ऑफ इन्वेंट्री डिटेल्स। तो स्टेप 4 क्या है, क्रिएशन ऑफ यूनिट मेजर्स बनाना है, क्रिएशन ऑफ स्टॉक ग्रुप बनाना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री डिटेल्स पे जाएंगे। जैसे ये इन्वेंट्री वाउचर्स है, ये देखो ये इन्वेंट्री वाउचर्स है, ठीक है। अब इन्वेंट्री इन्फो पे गए तो ये देखो ये आपका यूनिट ऑफ मेजर्स, पहला हमारा सबसे पहला चीज क्या है, क्रिएट ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिट ऑफ मेजर्स। तो यूनिट ऑफ मेजर्स पे जाएंगे, क्रिएट करेंगे। अब सिंपल चीज पहले फिर देख लो यहाँ पे, सॉरी यहाँ देख लो क्या क्या लिखना है, पीसेस पीसेस, ठीक है ना, 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पीसेस एंटर, पीसेस एंटर करोगे तो यहाँ पे आपका बना हुआ रहेगा, इसे क्लिक करोगे एंटर करोगे 0 एंटर, यस कर दिया आपने, डन। ये आपका हो गया, यहाँ से एक्सेप्ट करो, क्विट करो, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे यहाँ से क्विट करोगे, ऑलरेडी एक बन गया। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट इज द क्रिएशन ऑफ स्टॉक ग्रुप। तो अब आप क्या करने वाले, स्टॉक ग्रुप, यहाँ पे स्टॉक ग्रुप पे जाओगे, क्रिएट करोगे आप, ठीक है। अब स्टॉक ग्रुप के अंदर आपको क्या प्रोवाइड करना है, स्टॉक ग्रुप में आपको क्या, क्रिएट अ ग्रुप ऑफ ग्रुप हैज गारमेंट्स सब विदाउट मेकिंग एनी चेंज, ठीक है। यहाँ पे नेम लिखो गारमेंट्स, एंटर एंटर प्राइमरी एंटर यस ओके एक्सेप्ट क्विट हो गया, यहाँ से क्विट हो गया। अब स्टॉक ग्रुप हो गया, अब स्टॉक आइटम्स होना चाहिए, स्टॉक आइटम, क्रिएशन ऑफ स्टॉक ग्रुप हो गया, क्रिएशन ऑफ स्टॉक आइटम। तो वो क्या करने वाले हो, आप वापस जाओगे, इसके अंदर आपको क्या क्या चाहिए, टी शर्ट गारमेंट पीसेस एप्लीकेबल, ठीक है। तो आइटम्स क्रिएट करोगे, हाँ। अब नेम क्या क्या एलाइज में डालने वाले वो देखो आप, नेम मैंने क्या डाला, टी शर्ट गारमेंट्स, ठीक है, टी शर्ट्स एंटर किया। नेक्स्ट क्या है, अलाइसिस बता, अंडर गारमेंट, अंडर कहाँ है, अब यहाँ पे देखो
गारमेंट्स, ये लिखा, ये इस पर क्लिक किया, पीसेस, ठीक है। जीएसटी अप्लीकेबल होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो देखना है। सेट ऑल्टर यस, यस करोगे अप्लीकेबल, सेट यस करिए, एंटर किए। ऑन वैल्यू और आइटम रेट, तो यहाँ पे आपका क्या है इंटीग्रेटेड, यस, देन गिव जीएसटी रेट हैज 12% ऑफ जीएसटी फील, ठीक है। ऑन वैल्यू, ठीक है, अब टैक्सेबल करोगे आप इसको, एंटर, इंटीग्रेटेड, ओके, 0%। इंटीग्रेटेड टैक्स कितना आपने बोला है, इंटीग्रेटेड टैक्स बोला है 12%, तो 12% ये एंटर किए, ये हो गया गुड्स पे, ठीक है, गुड्स पे एंटर कर दिए, ये किए, यस कर दो आप, हो गया आपका वर्कआउट, हो गया यस, आफ्टर दिस यस, एक्सेप्ट किए, क्विट कर दो, ठीक है। अब व्हाट वी आर हैविंग नेक्स्ट, व्हाट वी आर हैविंग इन द स्टेप 5 की क्रिएशन ऑफ परचेज एंड सेल्स वाचेस, अब वाचेस बनेगी, तो अब हम क्या करेंगे, गो टू द ट्रांस अकाउंटिंग वाचेस पे जाना है, अब यहाँ से क्विट करेंगे, यहाँ से भी क्विट करेंगे, अकाउंटिंग वाचेस पे जाएंगे, ठीक है, अकाउंटिंग वाचेस पे जाएंगे और उसके रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन डालेंगे। पहला क्या है, गो टू ट्रांस सेलेक्ट परचेज वाचर, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे से परचेज वाचर लेंगे, ठीक है। सो परचेज वाचर्स के अंदर गिव द सप्लाई इनवॉइस नंबर 1, इनवॉइस नंबर 1 है, सप्लाई इनवॉइस नंबर 1 डाल दो, एंटर कर दो। मैंने डेट हैज इट इज रहने दिया हुआ है, अभी अगर चाहते हो तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। 1 अप्रैल, बैक स्पेस करो, ठीक है, 1 डेट पे जाओ, 2-4 है ना, 1-4-2017, ये इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारा 2020 का ही करेंट पीरियड चल रहा है, तो वो हैज इट अप, ओके, ठीक है, 1-4-1-4-20, इसको हैज इट इज रखा क्योंकि हमारा जो करंट पीरियड है वो दे रहा है। अब आप इसमें वॉच एंट्री है, पार्टी नेम डालना है, ओके, एंटर, पार्टी नेम क्या है, जलराम टेक्सटाइल, वो एंटर किए। अब उसके अंदर आपका क्या डिटेलिंग करने वाले, वापस देखो, परचेस अकाउंट, परचेस लेजर, ठीक है, ये सब डिटेल नहीं चाहिए हमको, सब जो जो चीज़ डाला हुआ है वो हो गया। हाँ, परचेस लेजर्स क्या है, परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट कर दिया आपने, ठीक है, परचेस अकाउंट किए, सॉरी, परचेस अकाउंट किए, उसके बाद आपने क्या डालना है, नेम ऑफ द आइटम, टी शर्ट, नेम ऑफ द आइटम, टी शर्ट्स, ये देखो ये बना हुआ है, ये डाल दिया। क्वांटिटी आपको डालना है इसके हिसाब से, जो मेरा क्वांटिटी था 150, एंटर किया। रेट पर पीसेस कितना है भाई, 450, एंटर किया, एंटर किया, 450 किया। उसके बाद सेलेक्ट जीएसटी नाइस इफ इट विल ऑटोमेटिकली शो द टैक्स अमाउंट एक्सेप्ट, ठीक है। तो अब हमको क्या करें, यहाँ पे एंटर, तो आपको देखो 61 पीसेस अमाउंट है, एंटर, ये हुआ, फिर सेलेक्ट IGST अकाउंट डालो, एंटर कर, ये आपका टैक्सेशन हो गया, नरेशन भी आप कर सकते हो यहाँ पे, हो गया एंटर। अब यहाँ पे आप ये देखो, ये आपका इनवॉइस क्रिएट हो गया, ठीक है ना, ये क्विट कर देती हूँ यहाँ से, ठीक है, दिस इज़ हाउ यू विल बी गिविंग, यस कर दिए, हो गया, क्विट कर दिए, ओके, प्रोवाइड GST, ओके, यस हो गया। अब उसके बाद एंटर 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 हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से इसका एक नरेशन बन गया परचेस अकाउंट का, ठीक है, नरेशन भी डाल सकते हैं, बीइंग परचेस को टी शर्ट शर्ट्स एट द रेट 12% GST, ठीक है, एंटर कर दिए,
डन। अब यहाँ पे आप यहाँ यस डाल दो, हो गया आपका एक वाउचर क्रिएट हो गया। नेक्स्ट वाउचर आपका क्या करना है, सेल्स वाउचर बनाना है। नेक्स्ट इज सेल्स वाउचर, यू गो विथ द सेल्स वाउचर। ठीक है, यहाँ सेल्स वाउचर के अंदर भी वही आपका रेफरेंस देना है, डिस्प्ले सेल्स वाउचर में डालना है 101 डालूंगी। ठीक है, 101 डाल दिया, एंटर कर दिया। अब ये है ड्रेस अलाइनमेंट, गारमेंट को ले लिया, एंटर कर दिया। डिलीवरी नोट्स क्या है वो आप साइन करो, नोट्स क्या है ये, आप अपना डिलीवरी नोट्स देखो यहाँ पे, आप अपने जैसे एंटर करोगे तो असाइनमेंट सेल्स लेजर, सेल्स अकाउंट और टी शर्ट्स, तो ये ना भी लिखें चलेंगे। डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर 12 लिख दो, डिस्पैच थ्रू रोड। ठीक है, एंटर किया। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन आपका क्या है, ये था अहमदनगर, अहमदनगर ओके, एंटर कर दिया। कैश ठीक है, एंटर कर दिया। टाइम टर्म ऑफ डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी एंटर कर दिए, हो गया। ठीक है, आपका एंटर हो गया। आपका सेल्स लेजर से तो सेल्स अकाउंट पे जाएगा, ये क्रिएट करो। ठीक है, नेम ऑफ द आइटम क्या है फिर से बता देती हूँ, टी शर्ट से, तो ऐसे टी शर्ट्स पे क्लिक करोगे, ये आपका ऑलरेडी बना है। क्वांटिटी कितने हमने डाले हुए हैं, 100 का क्वांटिटी है, 600 रुपये पर 100 का, एंटर किए। यहाँ पर 600 डाले, एंटर किए, आपका ये हो गया। एंटर किए उसके पर IGST अकाउंट्स पे डालोगे तो यहाँ अकाउंट्स, ये देखो यहाँ पे नहीं दिखाना है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखाना क्योंकि हमने यहाँ पे सेलेक्ट GST, इट विल ऑटोमेटिक शो द टैक्स सेंड एंड अमाउंट एक्सेप्ट। ओके, तो ये अभी मैंने एक्चुअली इस पे मैंने नहीं दिया था इसलिए, तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे इस चीज़ को अगर देखना चाहते हैं IGST अकाउंट, तो हमारे हर चीज़ में अप्लाइड होना चाहिए, राइट ना, जैसे उसमें अप्लाइड हुआ वहाँ यहाँ पर भी होना चाहिए। अगर ये ऐसे डाल दो, एंटर करो IGST, सेल्स अकाउंट पे जाओगे तो सेल्स ही अकाउंट दिखाएगा, देखो। ठीक है, रेट पर इस पे दिखा रहा, इसका मतलब हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसको आप एक्सेप्ट करोगे तो ये वर्कआउट करेगा। ठीक है, IGST अकाउंट सब पे वर्कआउट करना चाहिए, तो हैज़ वाचेस पे जाओगे तो ये वाचेस बन रहे। ठीक है, ये इस तरह से आपका रिपोर्टिंग तैयार हुआ। नाउ यू एबल टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर क्रिएटिंग वाचेस एंड अदर सेल्स एंड टैक्स फॉर। अब हम क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले करना देखना है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लो, क्विट कर देती हूँ अभी मैं यहाँ से। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गोइंग विद, वी विल बी गोइंग विद द डिस्प्ले। ओके, डे बुक, ये दिख रहा है आपको किस तरह से अमाउंट, सेल्स अमाउंट, और ये मैंने एक्चुअली GST इसमें डाला नहीं इसलिए दिखाएगा नहीं, जैसा है वैसा ही। नेक्स्ट इज व्हाट, डे बुक आप तो देख चुके। नेक्स्ट है GST कंप्यूटर डिस्प्ले स्टार्टेड रिपोर्ट, अब इसको क्विट करोते हैं। ठीक है, डिस्प्ले सैटरडे रिपोर्ट्स, यहाँ पे जाओगे GST के रिलेटेड जाओगे। अब सैटरडे रिपोर्ट क्या है, GST एनुअल कंप्यूटेशन, तो GST एनुअल कंप्यूटेशन पे गए, ये आपका एनुअल कंप्यूटेशन रिलेटेड एवरीथिंग, तो ये सारा डिटेलिंग दिखाएगा, कौन सा वाउचर कहाँ पे है, किस GST इन है, कैसे है, ये सारा। दिस इज हाउ वी विल बी क्रिएटिंग द वाउचर्स। होप यू अंडरस्टैंड बेटा कि किस तरह से आप कंप्यूटेशन कर सकते हो, किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हो। प्लीज़ गो थ्रू इट, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू दिस ऑल डिटेलिंग कि हाउ कैसे आप एंटर करना, क्या क्या चीज़ें हैं। सो गो थ्रू दिस वीडियो एंड प्लीज़ प्लीज़ डियर चिल्ड्रेन सब्सक्राइब द चैनल सो दैट द लेटेस्ट वीडियो व्हाट एवर रिलेटेड टू योर नोट्स एंड अदर थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम द दिस वीडियो इटसेल्फ। सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव द लाइक बटन टू इट। जज़ाकअल्लाह खैर, आमीन।